अब आ गया श्रेयस अय्यर, बेस प्राइस 2 करोड़ मौक और पहले दिखा रहे केकेआर घंटा जाएगी क्या। जब रबाडा का हुआ था आरटीएम, मैंने भी नहीं किया था आरटीएम, आरटीएम कर रहा इन्होंने भी नहीं किया। ओहो गांगुली साहब भी दिख गए, परफेक्ट। चलिए श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर तो दिल्ली में आ रहा है, अब देखना कितने चोट लगती है हमें, कितना पैसा। गांगुली दिल्ली के साथ आए हैं, बैठे तो हुए थे भी। हाँ बैठे हुए हैं ये लोग साइको सामने, तो ये तो कह रहे थे दादा को छोड़ दिया। अभी टीम के साथ तो है ही, वुमेन्स टीम के साथ। दोनों को बाय करने के बाद हमारे लेवल पे आएंगे कि हम बात कर सके उसके बाद। संजीव गुंजा जी पंजाब चल रहा है, कोलकाता कोलकाता अपने कप्तान के जाती हुई यहाँ पर 5 करोड़ 20 लाख बहुत जल्दी 5 करोड़ 40 लाख 50 हो गया। जाओ यार केकेआर वालों जाओ, वो ज्यादा अपने बच्चों से पैसे निकालना नहीं चाह रहे। कोई बात नहीं भाई, कप्तान में तुम्हारा जाओ जीते उसके साथ 10 करोड़ देने पड़े, दे दो 11 करोड़ देने जाना मुझे। अभी केकेआर जबरदस्ती बिड कर रहे हैं, केकेआर पंजाब। अभी सफाचर भाई साहब ने बोल दिया था हम दिल्ली वाले जाएंगे 25 करोड़ तक खर्च कर देंगे, थोड़ा इनको करने दे अपने दिल के अरमान पूरे। अभी पहुंचे जी 7.5 करोड़ के आसपास पर श्रेयस अय्यर, बिडिंग हो रही है केकेआर में जबरदस्ती और पंजाब किंग्स में। केकेआर ने लेना तो है नहीं इसको, ठीक है जी, क्या बता ले सकते हैं, नहीं लेंगे, नहीं उन्होंने सिर्फ एस्केलेट कराया, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। केकेआर सिर्फ दिखाने के लिए, उसकी इज्जत रखने के लिए, सिर्फ उसकी इज्जत रखने के लिए कर रहे हैं। केकेआर वर्सेस अभी क्या चल रहा था, पंजाब, पंजाब जा रहे भाई 7.50 आ गए जी, हाय दिल्ली आ गए, ऑक्शन का तमाशा देखने। सैयर 8 करोड़ आ गया भैया 8 करोड़ खुशी खुशी सुशांत की आप देखे, बहुत के लिए कप्तान है जी हमारा, पता क्यों ले रहे हैं यार आपने बनेगा हमारा, आपने उसको आईपीएल में बिल्कुल भी इतना किसी ने अपना गंदी जबान गंदी जबान, अब आप कह रहे हैं कप्तान निकाल दिया आपका पानी ला रहे वापस। इज्जत देना और लेना, जब इज्जत देना था दिया, मतलब अपने टाइम पे अपने हिसाब से यूज करके फेंक दो, फेंक दो चंगा में वो। केकेआर ने बेइज्जत करके निकाला नहीं है, कप्तान को रिटेन नहीं करा, कह रहा बिल्कुल नहीं बताओ, नहीं सर वो थोड़ा हो सकता है पैसों के चक्कर में 18 करोड़ देखा जाए। वाह भाई देखो 10 करोड़ तक तो गए ना, 10 करोड़ रुपए की करंट बिड लग गई है श्रेयस अय्यर के लिए। केकेआर पीछे हट गई है, मैंने बोला था केकेआर हाथ खींच लेगा सिर्फ उसकी इज्जत रखने के लिए। यार 10 करोड़ में मिल गया श्रेयस अय्यर, नहीं भाई कौन कर रहा है बिड, कौन आ गया पंजाब से, एक तो लड़ भी नहीं सकते पैसे पे, पंजाब कहां से आ गई यार। जितना इसमें वॉलेट स्ट्रेंथ है ना, दे कुड मेक अ वेरी गुड टीम भाई। 11.25 करोड़ पहुंच गई है बिडिंग फॉर श्रेयस अय्यर, 11 करोड़ 25 लाख। सेट वन में अर्शदीप सिंह हो चुके हैं, सेट वन में कगीज और रबाडा हो चुके हैं, तीसरे प्लेयर आए श्रेयस अय्यर, और श्रेयस अय्यर की बिड अभी पहुंच गई 11 करोड़ 75 लाख। अर्शदीप सिंह को पंजाब ने ले लिया, रबाडा को गुजरात टाइटंस ने ले लिया, वेरी गुड, गुजरात टाइटंस वेरी गुड, वेल डन गुजरात। वो दे दियो अच्छा, श्रेयस अय्यर की बिड पहुंच गई है 12 करोड़ 50 लाख, 12 करोड़ 50 लाख पहुंच चुकी है श्रेयस अय्यर की करंट बिड, ठीक है जी 12 करोड़ 50 लाख, वेरी वेरी गुड। देखते हैं अब क्या होगा, टकलू अंकल हमारे उठा रहे 13 करोड़, अबे दे दो, मैंने कितने में खरीदा शेयर, 11 में खरीद लिया था। आप तो 25 तक देने के लिए तैयार हैं भाई साहब, दिल्ली वाले भाई साहब बोला उन लोगों ने आपके 25 ऑफिशियल आया आपकी तरफ से, आपने 25 दे दिए तो बचेगा कितना आपके पास, फिर हमारे पास 50 के अराउंड बचेगा, 73 है, 51 बचेगा, बहुत है पैसे, 50 बचेगा, लेकिन अगर पंजाब अभी भी लड़ रही है, लेकिन अगर पंजाब किसी तरीके से श्रेयस अय्यर को तो ऋषभ पंत को तो ले ही नहीं पाएंगे। श्रेयस अय्यर श्रेयस अय्यर के लिए बिड चल रही है, और अभी जो है श्रेयस अय्यर बेस प्राइस 2 करोड़ है, पहले केकेआर के थे, और यहाँ पर 14 करोड़ की बिड लग चुकी है। आई डोंट थिंक आप लोग ऋषभ पंत के लिए जाने वाले हो, 14 करोड़ 50 लाख के आसपास पहुंच चुका है, दिल्ली ने लगाई अभी बिड 14 करोड़ 75 लाख, पंजाब और दिल्ली में फाइट हो रही है, पंजाब वर्सेस दिल्ली, और आप देख
15 करोड़। रिकी पॉन्टिंग जो है वो श्रेयस के साथ फाइनल खेले हैं, तो हो सकता है रिकी पॉन्टिंग इनपुट हो। और अभी 15 करोड़ 25 लाख रुपए विनिंग कैप्टन है करंट। पंजाब वर्सेस दिल्ली फॉर श्रेयस अय्यर 15 करोड़ 25 लाख, दिल्ली 15 करोड़ 50 लाख। एंड द अमेजिंग इज, अमेजिंग थिंग इज, पंजाब एंजॉय कर रही है एक्सेलरेशन बिकॉज उनके पास इतना बड़ा वॉलेट है इस समय कि वो बहुत इजिली एंजॉय करते हुए बिट्स को इंक्रीज करवा रहे हैं। 15 करोड़ 75 लाख रुपए दिख रहा है शक्ल, 15-75 पैसा बोलता है श्रेयस अय्यर। एंजॉयिंग इट भाई, अभी भी 100 करोड़ से ऊपर का पर्स। श्रेयस अय्यर 15.75, 16 करोड़ भाई साहब, 16 करोड़ पहुंच गए हैं श्रेयस अय्यर। बात तो सही है, मुझे आप रह चुके हो 20 करोड़ तक आप जाओगे, देख लीजिएगा कप्तान चाहिए और श्रेयस अय्यर दिल्ली को चाहिए ही चाहिए। तो अभी 16.25 चल रहा है, अभी देखते हैं रिकी पॉन्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन ये फालतू में प्राइस बढ़ा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये प्राइस बढ़ा के डीसी का पर्स खत्म करवाना, मुझे लग नहीं रहा कि ये लेंगे। अरे नहीं भाई, हाँ हाँ देखना, 16.75 करोड़। सौरभ गांगुली 17 करोड़। देखो डीसी तो बन बना चुकी है, सौरभ गांगुली को तो उन्होंने निकाल दिया था उसी के साथ विमेंस टीम के साथ। विमेंस टीम नहीं निकाला, कब बकवास करवा रहा है, उसी के साथ निकाल दिया उसमें से। और क्या है, जेएसडब्ल्यू मारने तो साइडलाइन कर दिया, जेएसडब्ल्यू के साथ है ना। अब जेएसडब्ल्यू जो है विमेंस टीम को करेगी ना 2 साल, तो वो वुमेन्स टीम के साथ रहेंगे। अभी आए हैं ऑक्शन में अपने इनपुट्स रखे, ठीक है फालतू की बातें। आई डोंट थिंक विमेन्स 17 करोड़ 50 लाख रुपए श्रेयस अय्यर के लिए बिड लग चुकी है। 17 करोड़ 50 लाख रुपए, पंजाब और दिल्ली में घमासान युद्ध जारी है। 17 करोड़ 50 लाख श्रेयस अय्यर, ये बता दे अर्शदीप सिंह को पंजाब ने खरीद लिया 18 में, कगिजो रबाडा को 10 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीद लिया गुजरात टाइटंस ने, और तीसरे खिलाड़ी जिनकी बिड लग रही है श्रेयस अय्यर अभी 17 करोड़ 75 लाख रुपए, 18 करोड़ हो गया दी दिल्ली को लगाया हो गया फॉर श्रेयस अय्यर। 18 करोड़ फॉर श्रेयस अय्यर ये लगाया है पंजाब किंग्स ने। अब दिल्ली की, अब ऊपर हो गया, 18 करोड़ 25 लाख पंजाब ने लगा दिया। अब दिल्ली की बारी, 18 करोड़ 50 लाख, दिल्ली भी रुक नहीं रही, पंजाब भी रुक नहीं रही, 18 करोड़ 50 लाख फॉर श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर का फायदा ही हुआ है बेसिकली ऑप्शन में, फायदा ही हो गया। 18-75, 19 करोड़ श्रेयस अय्यर, बात तो सही है, मुझे मिल गया 19 करोड़, बात तो सही है भाई। 25 तक तो नहीं चले जाएगा मेरा भाई, कोई पता नहीं है। प्लीज यार पूरा पर्स इस पे मत खाली कर देना भाई। 19 करोड़ 25 लाख रुपए दिल्ली की बेट, 19-50 क्या बात कर रहे हो यार, कप्तान पर्स इस पे खाली जीता हुआ कप्तान है, कप्तान है कौन, आप किसको लोगे? बटलर को ले नहीं सकते, किसी और को ले नहीं सकते, बटलर को क्यों नहीं ले सकते थे? अब तो 20 करोड़ तो 20 करोड़ रुपए तक अय्यर पहुंच गए हैं 20 करोड़। अमेजिंग वो कप्तान जिसको केकेआर ने रिटेन भी नहीं करा, उसके लिए 20 करोड़ 25 लाख पंजाब भी नहीं मान रही भाई। भाई उनको केकेआर की बेवकूफी है, केकेआर को ऋषभ चाहिए कि श्रेयस चाहिए? अरे वो डिफेंडिंग चैंपियंस है भाई, वो डिफेंडिंग केकेआर को। एक काम करो इसको छोड़ दो, ऋषभ को रिटेन कर लेना आरटीएम, तो फिर करें अगर नहीं मिलता है तो। वाह होने लगा तो बात ही क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या अभी पता चल जाएगी आपको। खुलेआम उसने ये कह दिया कि मैं पैसों के लिए नहीं आया, आप ये करो आरटीएम करोगे, आरटीएम कर लेंगे, बिल्कुल ही जाओगे आप ऋषभ के लिए। 21 करोड़ 21 करोड़ रुपए हो गए, डिजर्व कर रहा है, किस करोड़ क्यों नहीं कर रहा है यार, ऐसी बातें कर रहे हो, एक सेकंड, ये हमने इनके स्टैट्स भी रखे हुए हैं, 127 की स्ट्राइक रेट है और 27 रन बनाने, 22 करोड़ 50 लाख फॉर श्रेयस अय्यर, दिल्ली की स्ट्रेटेजी है यहाँ पे प्राइस बढ़वाने की और फिर लास्ट में बैकआउट करने की, पंजाब को वॉलेट हल्का हो जाए, तो बड़ा अच्छा काम कर गए फिलहाल यार। वो कप्तान बनाना चाह रहे हैं श्रेयस, आई डोंट थिंक सो यार, अगर 25 करोड़ खर्च कर देंगे तो बाकी तो सोचो कप्तान बना के क्या करोगे। अरे तो विदाउट कैप्टन टीम थोड़ी बन जाएगी, देखो कैप्टन के साथ आप बाकी टीम क्या बना रहे हो अपनी। मैम उन्होंने बोला कप्तान नहीं चाहिए आपको, कप्तान चाहिए किसको बनाओ, बाकी टीम का कॉम्बिनेशन क्या बनाने वाले हो? कप्तान तो वो आगे देखेंगे। 23 करोड़ 75 लाख श्रेयस अय्यर, भाई हाईएस्ट बन रहा है,
24 करोड़ रुपए पहुंच गई है बिड फॉर श्रेयस अय्यर। सबसे बड़ी श्रेयस अय्यर 24 करोड़ बिड और दिल्ली कैपिटल्स पे है कि क्या वो खरीदना चाहते हैं 24 करोड़ से ऊपर। पंजाब किंग्स बिड कर रही है और दिल्ली कैपिटल, देखो पंजाब किंग्स के पास तो अंधा पैसा है अभी भी उनके पास, आप माइनस कर लो ना 18 करोड़, तो उनके पास 92 करोड़ के आसपास अभी भी है, 92 करोड़ 50 लाख। पंजाब किंग्स ने खरीद लिया भैया, खरीदा है 24 करोड़ 25 लाख। पंजाब किंग्स ने 24 करोड़ 25 लाख, 24 करोड़ 25 लाख पर श्रेयस अय्यर, भाई साहब 24 करोड़ 25 लाख रुपए पर श्रेयस अय्यर। छोड़ दे दिल्ली, छोड़ दे भाई, हाथ जोड़ रहा हूं तेरे, 25 करोड़ थोड़ी दे दोगे पागलो, छोड़ दो। दादा भी कह रहे हैं नो यार, छोड़ दे यार, कुबरा तुम्हारे हिसाब से तो खरीद लेना चाहिए 25। अरे छोड़, बटलर खरीद लो 20 करोड़ में और कप्तान बना लो। हाँ, बटलर खरीद लो भाई, बटलर को ले से ये छोड़ दो अभी। अब अबे यार क्या कर रहे हो यार, और 50 लाख भाई साहब, बिडिंग वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन पंजाब एंड दिल्ली। मतलब ये हमारी निगाह है, देख लीजिए आईपीएल 2024-15 में 350 करोड़ 146 की स्ट्राइक रेट, और क्या चाहिए, ये है श्रेयस अय्यर। खराब थोड़ी था, इतने लोगों को मनाने के बाद कितने में गया था स्टॉक, 24-75 पे गया, हाईएस्ट बिड हो गई भैया आईपीएल के इतिहास की, बिड हो गई इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल 24 करोड़ 75 लाख रुपए जितने में स्टॉक गया था। अब श्रेयस अय्यर हो गया सबसे महंगा प्लेयर आज तक का, इंडियन फर्स्ट इंडियन प्लेयर, 25 करोड़, बहुत बढ़िया, पहला इंडियन का ओवरऑल हो गया, आज तक की सबसे महंगी बाय श्रेयस अय्यर हो गया है 25 करोड़। पंजाब किंग्स ने मना कर दिया, मुझे लग रहा है नहीं मना नहीं, खुश हो रहे हैं वो 25 करोड़ करके उसके लिए, 25 करोड़ रुपए 25 करोड़ 25 लाख पर श्रेयस अय्यर आईपीएल विनिंग। तो पंजाब, पंजाब फिर ऋषभ पंत के लिए तो नहीं जा रही है, नहीं जा रही 25 करोड़ 50 लाख पर श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स। अबे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, ये ताली आज दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रैटेजी के लिए कि वाह क्या गेम प्लान लेके आए बिग ऑक्शन के अंदर। 25 करोड़ 50 लाख सही है तो भाई बचेगा क्या, 50 करोड़ 50 लाख चार 25-75 पहुंच गए 26 पे पहुंच लिया। मैं कह रहा हूँ श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स में जाए, श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स में शामिल किया जाए। अब आप सुशांत को, मैं आज जो मैं मोदी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज इसको पंजाब किंग्स को दे दो भाई, पंजाब मत करो, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसको, प्लीज दे दो, उनके पास बहुत पैसा है भाई, तुम बर्बाद हो जाओगे। 26 करोड़ पागल हो चुके हो क्या, 26 करोड़ पिछले साल से सीन याद आ रहे जब सुशांत ऐसी सर पकड़ के बैठे थे अपनी टीम को कंपोजिशन के ऊपर, और भाई श्रेयस के ये समझ ही रहे, श्रेयस के साथ भी लोग फाइनल खेले यार, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाए श्रेयस के लिए यार, श्रेयस के साथ पंजाब दिल्ली वाले उसके दे रहे कोई बात नहीं, ऐसा है उससे भी ज्यादा, ऋषभ पंत के लिए भी 30 करोड़, वो आईपीएल विनिंग कैप्टन है, 25 लाख रुपए हो चुका है। I'm sorry, IPL winning captain does not justify कि आप real time में practicality और sensibility को त्याग दे, अपने wallet को ना देखिए और आप 70% खर्च कर दो। अच्छा तो ऋषभ के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं पूछ रहा हूँ ऋषभ के लिए 25 ज्यादा है, मना रहे उनकी चेहरे की हंसी और खुशी देखिए, आप वो इकलौते हैं जो ये डिसीजन सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ बिल्कुल, आप देख लीजिएगा दिल्ली की, आप हिस्ट्री उठा के देख ले, एक फाइनल खेले किसके साथ खेले, बंदा टीम जितवाने लगा और टीम के खिलाड़ी क्या है अभी पता नहीं है आपको, फाइनल कॉम्पोजिशन I do not see that as a very good strategy. यार तुम्हारा दिमाग खराब है, बहुत ज्यादा पैसा है पंजाब की, इतना डिजर्व नहीं करता, तो पंजाब छोड़ो अपने वॉलेट देखो आप पहले, उसके बाद क्या बच रहा है उसके बाद, ना ये बैटिंग से इतना कर रहा है, इंडिया टीम में भी नहीं है वो यार, लगातार 100 मार रहा है वो अभी यार, अभी 100 मार रहा है, 100 मार रहा है, ऐसे मार रहा है कि मैं नहीं मार रहा है ना, T20 में नहीं मार रहा, ठीक है T20 फॉर्मेट ही होता है भाई, 100 मार रहा है भाई, काम करते 14 गेम्स के अंदर 10 गेम में वो 100 मारे अकेले, उससे एक और एक बंदा जिताएगा ना आपके साथ, एक बंदा जिताएगा वो प्लेयर, अच्छा वो प्लेयर नहीं है तो 26 करोड़ रुपए तो क्यों मिल रहा है, वो घंटे का प्लेयर है उसको कुछ नहीं आता तो क्यों दे रहे हैं 26 करोड़। माय पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट इज नॉट कि 26 करोड़ जस्टिफाइड है कि नहीं, 26 करोड़ जस्टिफाइड होंगे श्रेयस अय्यर के लिए, लेकिन उसमें कौन कंपीट कर रहा है इसमें उस बिट पे, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब कोई टीम नहीं कर सकती इसमें कंपीट, दिल्ली कैपिटल्स घुसी हुई इस बिट के अंदर जिनके वॉलेट में उतनी कैपेसिटी नहीं है, पंजाब को दे देना चाहिए, पंजाब एक और बिट, ये एक सेकंड अभी भाई
करंटली 26 करोड़ 75 लाख रुपए की बिड लगाई है पंजाब। छोड़ दिया दिल्ली ने, छोड़ दिया 26 करोड़ 75 लाख रुपए में पंजाब किंग्स खरीद रही है श्रेयस अय्यर को। शुक्र है भगवान का कि दिल्ली कैपिटल ने छोड़ दिया भाई, इतने पैसे नहीं बनते थे। हाँ ये अफोर्ड कर सकते, हमने अफोर्ड कर सकते थे। शुक्र है छोड़ दो, खरीदियो मत, मैं कसम से बता रहा, खरीदियो मत, 27 करोड़ मत कर दियो, छोड़ दे छोड़ दे। ऋषभ को रिटेन कर लो, ऋषभ को आरटीएम कर लो, इसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ऋषभ को नहीं करेंगे। आगे चलो सोल, आज तक का सबसे महंगा प्लेयर आईपीएल हिस्ट्री में श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख रुपए, और दिल्ली कैपिटल्स ने एंड तक लड़ा, बट आई थिंक ठीक डिसीजन लिया, बिकॉज 73 करोड़ में से अगर ऑलमोस्ट 30 करोड़ आप इस पे देते, बाकी टीम के आप कद्दू बनाते, तो शुक्र है पंजाब किंग्स ने। अच्छा बाय द वे, पंजाब किंग्स ने अर्शदीप को भी रिटेन कर लिया 18 में, और इसको ले लिया इन्होंने जॉस बटलर, बटलर आ गया, पंजाब का पर्स अब हमारे जितना ही हो गया होगा।